मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे औरंगाबाद शहर के भाई, चाचा, माँ और बहनों, मैं टाउन हॉल से सैयद नतीन की बेटी सैयद अफीरा। मैं आप लोगों से ना तो पैसे मांगने आई हूँ और ना ही तो आपका वक्त मांगने आई हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये, मेरा अबू मुझे ना होते हुए भी 6 महीनों से जेल में बंद है। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे अबू ने ये डिमांड की थी कि जिन पैसों से आप बाला साहब ठाकरे की मूर्ति बना रहे हो, उन पैसों से पानी की टाकिया बनाई जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक केस बन गया। और दूसरा केस मेरे अबू का इसलिए बनाया गया कि मेरे अबू ने जनरल बॉडी में वंदे मातरम नहीं पढ़ा था। और अब देखिए तीसरा केस क्यों बना, क्योंकि मेरे अबू चाहते थे कि औरंगाबाद शहर में शराब के अड्डे कम हो जाए, तो वो हमारे MP इम्तियाज जलील साहब के साथ वो गैर कानूनी शराब के अड्डे बंद कराने गए थे। अब चौथा केस मेरे अबू पे किस लिए बना वो भी सुन लो। क्योंकि महानगर पालिका चाहती थी कि हर घर में पानी गिनकर और लीटर के हिसाब से दिया जाए, बस इसी बात का विरोध किया था मेरे अबू ने, और मेरे अबू पर चौथा केस बना दिया गया। और पांचवा केस मेरे अबू पर हाफ मर्डर का बनाया गया। तो आप लोग बताइए, क्या मेरे अबू ने शाहगंज के दंगों में हाफ मर्डर किया था जो उन पर ये केस दाखिल किया गया? अब ये छठा केस भी सुनो। महानगर पालिका में एक विषय था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि पेश की जाए, मगर मेरे अबू ने उसका विरोध किया था, क्योंकि मेरे अबू ने कहा था कि हम अब तक बाबरी मस्जिद को भूले नहीं, और यही वजह से उन पर छठा केस बन गया। अब देखिए कि सातवां और आठवां केस मेरे अबू पर क्यों बनाया गया। मैंने सुना है कि 376 का केस किसी औरत की इज्जत लूटने पे बनाया जाता है, और मेरे अबू पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने छोटे भाई और जीजा जी के साथ मिलकर एक औरत का बलात्कार किया। तो आप ही लोग बताइए कि जिस घर में उनकी बहन दी गई हो, तो क्या वो अपने जीजा जी के साथ मिलकर कोई औरत का बलात्कार कर सकते हैं? और नौवां केस क्यों बना वो भी सुन लो। क्योंकि मेरे अबू ने महानगर पालिका में ये डिमांड किया था कि जिस तरह मराठी में औरंगाबाद महानगर पालिका लिखा है, इसी तरह उर्दू में भी महानगर पालिका लिखा जाए, बस इसीलिए उन पर ये नौवां केस बना दिए। बस यही सारी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मैं मेरे अब्बू को जेल से अपने घर वापस लाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक वोट की अपील करती हूँ। आप लोग मेरे अब्बू को वोट देकर उन्हें जेल से बाहर लाने में मेरी मदद करें, और मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ और इल्तिजा करती हूँ कि जो झूठे केस मेरे अब्बू पर बनाए गए हैं, उनकी चौकसी करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर।